महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के तहत शुरू की गई नागपुर मेट्रो परियोजना के काम की समीक्षा के लिए KfW जर्मनी सरकार और AFG फ्रांस के तहत विकास बैंक द्वारा नियुक्त एक समिति 2 दिवसीय यात्रा पर नागपुर पहुंची है। डॉक्टर दीक्षित ने उन्हें परियोजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति और मेट्रो द्वारा कार्यान्वित की जा रही परियोजना के बारे में भी जानकारी दी। KfW और AFG इस दौरे का आयोजन नागपुर मेट्रो रेल परियोजना के संयुक्त निगरानी मिशन के तहत 2 वित्तीय संस्थानों द्वारा किया जा रहा है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य तकनीकी, वित्तीय और ESHS परिप्रेक्ष्य की जांच के उद्देश्य से नागपुर मेट्रो रेल परियोजना का कार्यान्वयन कैसे चल रहा है इसका पता लगाना है। इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल ने RIC2 और RIC4 में निर्माणाधीन परियोजना का निरीक्षण किया और संतोष व्यक्त किया। प्रतिनिधिमंडल में KfW भी शामिल था। जर्मनी के वरिष्ठ क्षेत्र विशेषज्ञ स्वाति खन्ना, प्रकोष्ठ प्रमुख शहरी विकास फिलिप रिश, वरिष्ठ पोर्टफोलियो प्रबंधक पेट्रिसिया एमलर और साथ ही AFT परियोजना प्रबंधक रजनीश आहूजा प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा थे। साथ ही महामेट्रो निदेशक महेश कुमार निदेशक, इस अवसर पर सुनील माथुर निदेशक, अनिल कोकाटे उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज नागपुर।